नमस्कार दोस्तों, नयनतारा चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। कल मंगलवार है। मंगलवार को हनुमान जी का दिवस बोला जाता है। कलयुग के जो प्रत्यक्ष देवता हैं वो श्री हनुमान जी हैं। तो आज मैं आपको हनुमान जी से संबंधित कुछ जानकारी देने जाती हूँ। सुंदरकांड के पाठ के बारे में मैं ज़रूर बताना चाहूँगी। यदि जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं तो पढ़ाई कर रहे हैं, हायर स्टडी कर रहे हैं या कोई भी स्टडी कर रहे हैं, अगर प्रत्येक मंगलवार को हनुमान सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो उनके अंदर आत्मविश्वास जो है वो बढ़ता है। मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करते समय 7 इमली की पत्तियों को हनुमान जी के सामने रखकर पूजा करें। पाठ पूरा होने के बाद इन इमली की पत्तियों को बच्चों की बुक्स में रख दें। इससे बच्चों की एकाग्रता बढ़ती है तो उनका पढ़ाई में जो परफॉर्मेंस होता है वो अच्छा होता है। जो घर का मुखिया होता है यदि वो 100 दिनों तक लगातार एक पाठ हनुमान जी का करता है तो हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। इससे घर में आने वाली समस्याएं खत्म होती हैं और आपके घर में प्यार और सौहार्द बना रहता है। अगर आपके बच्चे गलत संगत में पड़ गए हैं या आपको लग रहा है कि बच्चे टीनेजर हो गए हैं, आपकी बात नहीं मानते हैं, तो उनको प्रत्येक मंगलवार हनुमान जी का पाठ आप ज़रूर कराएं। इससे बच्चे जो हैं उनका मन डाइवर्ट होगा और वो सही पथ पर चलेंगे। इसके अलावा आपको बताने जाऊंगी, हनुमान मंदिर जाएं तो आप 3 परिक्रमा जरूर लगाएं। पाठ सुबह शाम 4 बजे के बाद ही करें। अगर आप पाठ सुबह करते हैं तब भी 4 बजे के बाद करें, अगर शाम करते हैं तब भी 4 बजे के बाद करें, ये सबसे उत्तम समय होता है। जो लोग पाठ करते हैं उनको मांसाहार नहीं करना चाहिए। यदि आप मांसाहार करते हैं तो आप कोशिश करिए कि मंगलवार और शनिवार मांसाहार ना करें और हनुमान जी का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें। सुंदरकांड का पाठ करने के बाद प्रसाद जरूर बांटें और जब तक आप श्री राम जी का जयकारा नहीं लगाएंगे सुंदरकांड का पाठ जो होता है वो आपका पूरा नहीं माना जाएगा, पूजा अधूरी मानी जाएगी। तो सुंदरकांड का पाठ शुरू करने से पूर्व जय श्री राम राजा राम सीताराम ऐसा आप जरूर बोलें। किसी का आपके घर में जन्मदिन हो, कोई भी शुभ कार्य हो, कुछ भी आपके घर में अच्छा हो, खुशहाली का अवसर हो, तो आप जो है अपने घर में सुंदरकांड का पाठ जो है ज़रूर रखें। इससे जो है घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है। यदि टीनेजर बच्चे होते हैं, भटक जाते हैं और उनका मन बहुत जल्दी डाइवर्ट होता है, मूड स्विंग्स होते हैं, तो इस समस्या से बचने के लिए प्रत्येक मंगलवार को बच्चों को सुंदरकांड का पाठ जरूर कराएं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप सुंदरकांड के बारे में कुछ और विशेष जानकारी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों।